जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, आज की हमारी क्लास फॉर्मेट के लिहाज से क्लास नंबर 23 और इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। आज की क्लास में हम मेजर चीज़ें हैं जो इलस्ट्रेटर की, वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड भी होगा मामला, और इसके साथ साथ हम कुछ शेप्स बनाने के हवाले से भी बात करेंगे। नंबर वन हम इसमें करने वाले हैं कॉपी कमांड। अब आप कहोगे कि यार कॉपी कमांड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कॉपी इन इलस्ट्रेटर इज डिफरेंट बॉल गेम, थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट शो हमारे पास जो चीज़ होगी वो होगा हमारे पास सिलेक्शन के मामले में थोड़ा सा हमें दुश्वारी का सामना होता है, अभी आपको आने वाले टाइम में होगा मसला, वो ये कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो बाद चीज़ें कुछ चीज़ों के ऊपर आ जाती हैं, तो उनकी पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसमें हम लॉक सिलेक्शन और हाइट सिलेक्शन दोनों चीज़ें करेंगे। एंड देन पाथ फाइंडर में हम उसकी बेसिक फॉर्म आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो उसकी नेक्स्ट जो उसकी एडवांस ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे सामने ये आपका एक फॉर्मेट दिख रहा है, हम इस फॉर्मेट से आज की क्लास करने जा रहे हैं। नंबर वन हमारे पास, ये अपने पास आप नोट कर लीजिएगा काइंडली, थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। तो आज की क्लास में हम कॉपी पेस्ट कमांड करने वाले हैं, कंट्रोल सी सिंपल कॉपी एंड कंट्रोल वी सिंपल पेस्ट, एंड उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट इन फ्रंट एंड पेस्ट इन बैक, फिर सिलेक्शन होगा लॉक सिलेक्शन कंट्रोल टू से, और उसको अनलॉक करेंगे हम आर्ट कंट्रोल टू से। नेक्स्ट हमारे पास हाइट सिलेक्शन, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हाइट करेंगे कंट्रोल थ्री से, और अनहाइट करेंगे या उसको शो करेंगे उसको हम आर्ट कंट्रोल टू से। और पाथ फाइंडर कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्ट फॉर्म है, ये एक ज़बरदस्त सा रोल अप है, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी हमारे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। तो मैं सबसे पहले यार करने लगा हूँ कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन करने के बाद मैं एक सिंपल फॉर्मेट ले रहा हूँ A4 साइज, और यूनिट चेंज कर रहा हूँ इंचेस, देन ओके। ओके जनाब, कॉपी एंड पेस्ट दोनों में ये कंट्रोल एफ और कंट्रोल बी में क्या डिफरेंस है कंट्रोल वी के मुकाबले में, वो हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, एक रेक्टेंगल, एंड फिल कलर मैं इसका रेड रख रहा हूँ, और स्ट्रोक मैंने इसकी रिमूव कर दी है, तो सॉरी फिल कलर रेड। ओके जी, अब नॉर्मल मैं जस्ट जो कॉपी कमांड है, एक कॉपी आपको पता है आर्ट के साथ आप ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, एक कॉपी है कंट्रोल सी, आप एडिट ऑप्शंस में जाएंगे और इसमें हमारे सामने आ रहा है कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया इस ऑब्जेक्ट को, और कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ अब मैं कंट्रोल वी के साथ। तो जो ही मैंने कंट्रोल वी किया, आप देखो ये ऑब्जेक्ट पेस्ट तो हो गया, मगर ये सेम जगह पर पेस्ट नहीं हुआ बल्कि यहाँ आके पेस्ट हुआ है। ठीक है, मैं अगेन इस ऑब्जेक्ट को यहाँ आर्ट से कॉपी कर रहा हूँ, और एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने आर्ट से यहाँ कॉपी कर लिए। अब आप ज़रा गौर से देखो, मैंने पेज के चारों तरफ अपने ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं, मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इंडिकेशन हो जाए कि हमने कौन से ऑब्जेक्ट को चेंज किया है कहाँ। तो सबसे पहले ये रेड ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कंट्रोल वी, देखो पेज के सेंटर की तरफ। मैंने ग्रीन ऑब्जेक्ट को कॉपी किया एंड पेस्ट, ये भी देखो सेंटर की तरफ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी सेंटर की तरफ, और ये लास्ट जो पेज के राइट बॉटम पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट बॉटम पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो हर दफ़ा जब हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, देन होता क्या है कि हमारे पास हर जो सेलेक्ट होने वाला ऑब्जेक्ट है जब वो पेस्ट होता है तो वो पेज के सेंटर की तरफ पेस्ट होता है, एग्जैक्ट सेंटर की इसमें बात नहीं कर रहा, पेज के सेंटर की तरफ वो जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो अब हम एक नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था हमारे पास जो नेक्स्ट अब यहाँ पर कमांड है वो है, ये कॉपी पेस्ट कमांड्स हैं, यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इसे राइट डाउन भी कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया, अब कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल एफ करने जा रहे हैं। कंट्रोल एफ क्या करेगा, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल सी कर लिया, आप एडिट में जा के देख सकते हो, कॉपी कंट्रोल सी एंड
पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल एफ, ये आपको हेल्प करेगा। देखो मैंने पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये आया कहाँ पर, एग्जैक्ट देखो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं इसे दोबारा से अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, यहाँ से कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, कंट्रोल एफ, और यहाँ कलर चेंज करता हूँ। रेड ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो इसके पीछे पड़ा है, क्योंकि ये जो कॉपी हुई है, कॉपी अपनी जगह से हुई, उसी जगह पर ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लफ्ज़ बोला है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट हो गया, इससे मुराद क्या है मेरी, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ यार, एक ये रेक्टेंगल ड्रैग किया है, और इसका कलर मैंने ये ऑरेंज सा रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक ये एक रेड ऑब्जेक्ट लगाया। फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पीछे लेके जा रहा हूँ, ये सिनेरियो है हमारे सामने, रेड ऑब्जेक्ट पीछे है, उसके बाद एक छोटा थोड़े सा साइज में लंबाई में चौड़ाई में थोड़ा सा कम है ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट। अब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है इस टाइम पर, वो रेड ही है, हमने इसकी सिलेक्शन ऑफ नहीं की है। तो अगर मैं कंट्रोल एफ करूँगा तो देखो ऑब्जेक्ट रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर आया, ठीक है। इसको ज़रा रिपीट करके देख लेना, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। कंट्रोल सी, हमने दोबारा कॉपी किया, बट मैं अब इस बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है जो ऊपर बना हुआ है, तो मैं अब कर रहा हूँ कंट्रोल एफ। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पेस्ट हुआ, ये इस ऑरेंज ऑब्जेक्ट से ऊपर पेस्ट हुआ। दैट्स मीन जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हम कॉपी करेंगे, वो जब पेस्ट होगा तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इसकी कॉपी यहीं लेना चाहते हो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो आपको नज़र आ रहा है ये कॉपी इसके पीछे बन गई है ऑरेंज ऑब्जेक्ट के। आप चाहते हो कि मैं ऑरेंज ऑब्जेक्ट से ऊपर कॉपी लेके आऊँ, तो मैं अब कर रहा हूँ कंट्रोल सी एंड इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एफ। सो अब देखो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बन गया, ठीक है। होप आप समझ गए होगे, और रिपीट करके भी आप देख सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, पेस्ट इन बैक। तो ये वाहिद कमांड है जो सिर्फ इलस्ट्रेटर में मौजूद है और किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है यार। कंट्रोल बी, पेस्ट इन बैक, ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर पेस्ट हो जाएगा। सो मैं पहले तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और मैंने इसको किया कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल बी। कंट्रोल बी कहाँ है, एडिट और पेस्ट इन बैक, ये पेस्ट हो गया। मैंने कलर भी चेंज कर दिया, कहाँ है ये तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको सेंटर से यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ ड्रैग करता हूँ, तो देखो ये जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, ये मैंने जो पेस्ट किया था रेड ऑब्जेक्ट, मैंने कलर चेंज किया, ब्लू कर दिया, एंड देन ये पेस्ट कहाँ हुआ, पेस्ट इन बैक, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बैक पर पेस्ट हुआ। तो सेम यहाँ पर अगर मैं ये काम करूँ, मैंने इसे किया कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, बी और अब मैंने कलर चेंज किया, ये कहाँ गया, ये रेड की बैक साइड पर, बट ऑरेंज स्ट्रिप से ऊपर, ठीक है। अब मैंने इसे कंट्रोल सी किया और ऑरेंज स्ट्रिप को सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्योंकि और पीछे है, तो ये इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बैक पर पेस्ट करने वाला है। मैंने किया कंट्रोल बी और मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले, एंड देन सेंटर से इसे पकड़ के मूव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अब मैंने जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट किया है वो ऑरेंज स्ट्रिप से भी पीछे पेस्ट हुआ है। तो ये हो गया पेस्ट इन बैक, और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर इसलिए आज से भी है कि हम बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को, ये जो अरेंज कमांड हमें यूज़ करनी पड़ती है, कंट्रोल ब्रैकेट्स या कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट्स, वो ज़रा कम प्रेस करनी पड़ेंगी और आप डायरेक्टली अपनी डिज़ायर प्लेस के ऊपर अरेंज कर सकोगे अपना पेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया जनाब कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसके साथ बड़ा आसानी के साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, यहाँ इसे रखता हूँ और थोड़ी सी एक शेप बनाते हैं, यहाँ रख रहा हूँ। अभी देखो मैंने इसको किया कंट्रोल सी कॉपी और इसको सेलेक्ट करके कहा कंट्रोल बी पेस्ट। कलर मैंने कर दिया इसका थोड़ा सा ग्रे, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसकी ये नोट सेलेक्ट की और इस सिर्फ इस नोट को, ये वन नोट, इसको यहाँ से बाहर ले आया।
तो अब देखो ये ऐसा लग रहा है ये पीछे से आगे की तरफ आ रहा है ना, देख रहे हो ये क्या हुआ है। बेसिकली मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रिप को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये इफेक्ट नजर आए, बल्कि व्हाई नॉट हम इसको यहाँ तक ले आते, बल्कि चलो यार यहीं रखते हैं। अच्छा देखो मैंने इसे किया कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल बी, कलर मैंने ग्रे कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और जस्ट एक दफ़ा इसकी नोड के ऊपर, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड यहाँ एक दफ़ा क्लिक किया, क्योंकि इस टाइम पर चारों नोड सिलेक्टेड हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो सारी नोड सिलेक्ट होती हैं, आपको यूं ड्रैग नहीं करना क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट भी इस सिलेक्शन में आ जाएंगे। तो इस टाइम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की इस नोड के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, अब सिर्फ एक नोड सेलेक्ट है और अब आप इसे ड्रैग कर सकते हो। और आप देखो जब मैंने इसे ड्रैग किया तो सिर्फ एक नोड मूव हुई है और ये पीछे वाले ऑब्जेक्ट की नोड मूव हुई है। अब ये बड़ी आसानी के साथ हमने क्रिएट कर लिया। अगर हम इसको वैसे इससे पहले बनाते जो हम जानते थे जितना हम इलस्ट्रेटर को अब तक, तो मैं इसकी आर्ट से कॉपी ले सकता हूँ नंबर वन, देन ग्रे कर सकता हूँ नंबर टू, देन इसको यहाँ ऊपर रख सकते हैं एंड देन पीछे लेके जा सकते हैं, या इसकी डायरेक्ट ये नोड जो है इसको सेलेक्ट करके पहले इधर ले जाते हैं एंड देन कंट्रोल से ब्रैकेट्स प्रेस करते हैं पीछे लेके जाते हैं इसको, तब जाके ऐसा बनेगा। तो कुछ स्टेप्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे बट वो भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है कंट्रोल बी के साथ, अगर आप करना चाहें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब हम सर्कल लेते हैं यार, कंट्रोल एफ और कंट्रोल बी का एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये एक मैंने सर्कल बनाया और मैं इस सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे जाहिर है दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं बाय ड्रैग कर लूँ ये और इसको उठा के यहाँ पर इसके ऊपर सेंटर में ले आऊँ, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ऑप्शन अच्छा है। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि मैं इसी को कंट्रोल सी करूँ कॉपी और इसी को कंट्रोल एफ कर दूँ। कंट्रोल एफ से क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट पेस्ट हो जाएगा इसी सर्कल के ऊपर। कंट्रोल एफ, कलर चेंज कर लेते हैं एंड देन आल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहां से ड्रॉ नहीं करना पड़ा, ये सेंटर से आल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रैग करके हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये नहीं करना पड़ा। आप ये कर सकते हो जस्ट इसी सर्कल से, इसी जो सर्कल है इसी को कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट कौन सा, कंट्रोल एफ एंड देन आल्ट एंड शिफ्ट से छोटा एंड देन कलर, ठीक है जी। तो ये एक हो गया, इसी तरह अगर मैं इसे कहता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कलर चेंज करते हैं, कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट, बैक साइड पे पेस्ट हो गया। अब आल्ट एंड शिफ्ट से बड़ा कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी इससे हमारे काम में, ठीक है जी। होप कर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, और नेक्स्ट फेज क्या है, लॉक सिलेक्शन और हाइट सिलेक्शन। हमें बहुत दफ़ा फाइल हैंडलिंग में एक प्रॉब्लम आता है या आएगा आपको, और वो क्या होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेट सपोज मैंने इसकी बैक पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मैं बैक पर ले जाता हूँ, यूँ करते हैं इसे कलर डार्कर सा दे देते हैं, ये बैक पर है और इन केस के ये इसके पीछे छुप गया। अब जाहिर है कि मैं इसको हटाऊंगा और फिर इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकता। फोटोशॉप में जब थे तो क्योंकि हम इनको इंडिविजुअल लेयर्स में बनाते थे, अलग अलग लेयर्स में बनाते थे, तो हमारे लिए आसानी होती थी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर भी लेयर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है बट लेयर के कॉन्सेप्ट में ये इशू आएगा हमें कि यहाँ से लेयर आपको सामने दिख रही है F7, वही विंडोज में शॉर्ट फॉर्म है लेयर्स की F7, वहीं से लेयर्स ओपन होंगी, वैसे यहाँ पर पैनल में मौजूद होती हैं। लेयर्स को अगर आप खोलोगे तो इसमें लेयर्स मौजूद हैं सब लेयर्स की सूरत में, बट अगर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के कुछ और रेक्टेंगल्स भी लगा लिए देन मेरे लिए इशू होगा कि ये आप देख सकते हो, यहाँ मेरे लिए इशू क्या होगा कि मैं जब लेयर्स को ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, दोनों एक जैसे हैं और हमें नहीं पता कि हमारा रेक्टेंगल जो हम जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है। जैसे ये तो ऊपर है
और वो वाला पीछे है, हमें इन दोनों में से कोई शेप में फर्क महसूस नहीं हो रहा। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट पीछे छुप गया है, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया जाए, ठीक है, और वो बहुत आसानी के साथ कैसे होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है लॉक, और लॉक के सामने लिखा हुआ है लॉक सिलेक्शन, लॉक सिलेक्शन कंट्रोल टू, कंट्रोल टू कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ टू नहीं, ऊपर जो एफ वन एफ टू एफ थ्री है ये फंक्शनल कीज होती हैं, ये आपको ये नहीं प्रेस करनी, कंट्रोल टू जस्ट आप के जो न्यूमेरिक्स होते हैं ऊपर वो आपने प्रेस करना है, कंट्रोल टू। तो ये लिखा हुआ लॉक सिलेक्शन मीन्स के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा, मीन्स के अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ क्लिक करके तो देन मैं कंट्रोल टू इस पे अप्लाई करूँ तो ये देखो ये तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने लग गया और ये ऑब्जेक्ट अब सेलेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज हमने इसको लॉक कर दिया है। अच्छा, लॉक कर दिया, अनलॉक करने के लिए क्या होगा, ऑल्ट कंट्रोल टू अनलॉक ऑल। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है अनलॉक ऑल, ये मैं बताता जाऊं कि यार यहाँ पर अगर मैंने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम्स पे लॉक किया है, मिसाल के तौर पे मैंने ये ऑब्जेक्ट कंट्रोल टू कर दिया, पहले मैं कॉपीज कर लेता हूँ इसकी, ये तीन कॉपीज मैंने कर ली, मैंने इन तीन कॉपीज में यूं करते हैं कि इनके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ सके, ये मैंने रख लिया। अब मैं इनमें से एक ऑब्जेक्ट को लॉक करने जा रहा हूँ, मैंने किया इसको रेड वाले ऑब्जेक्ट को लॉक, कंट्रोल टू कीबोर्ड से प्रेस कर लें या यहाँ से ले लें आपकी अपनी मर्जी, कंट्रोल टू, ये देखो रेड ऑब्जेक्ट लॉक हो गया, ब्लू एंड ऑरेंज दोनों ऑब्जेक्ट इस टाइम पर लॉक नहीं है। अब मैंने लॉक कर लिया ये बैक पर या ऊपर ब्लू, इसको भी कंट्रोल टू कर देते हैं, तो अब आप देखो ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, मगर ये एक्टिव है, मगर जब मैं अनलॉक करूंगा ना तो ये एक छोटा सा इशू है, अनलॉक सारे के सारे एक ही वक्त में हो जाएंगे, तो अनलॉक तो जितने भी हैं वो अनलॉक ऑल की कमांड है, सिंगल ऑब्जेक्ट को हम अनलॉक नहीं कर सकते, अनलॉक होगा तो सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत इफेक्टिव है कि जब हम काम कर रहे होते हैं बैकग्राउंड्स पे भी इवन कोई चीज़ हो तो हमें बाज़ूकात ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, या ऐसे करते हैं यार यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स और लगा देते हैं, और आपको पता है कंट्रोल डी की कमांड हमने कही थी लास्ट क्लास, मैंने इनको सेलेक्ट करना है इन सब को, बट जो ही मैं ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाता है, अभी तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है वन ऑब्जेक्ट, तो मैं अगर इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट डी सेलेक्ट हो जाएगा, कैसे, मैंने इसे ड्रैग किया तो ये सबके सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, अगर मैंने शिफ्ट के साथ इसे क्लिक किया तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, तो अब सिर्फ ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट्स हैं यही सिलेक्शन में है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब इन केस के यार यहाँ पर भी हम कुछ रश लगा लेते हैं, अब मैं यूं सिलेक्शन में आता हूँ तो इतने सारे ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट हो गए, तो मैं यार इन ऑब्जेक्ट के साथ क्या करूँ, इनको फिर शिफ्ट के साथ क्लिक करना शुरू करूँगा, और इन केस के ये ऑब्जेक्ट बहुत से हुए तो क्या होगा, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हर एक को शिफ्ट के साथ क्लिक करके डी सेलेक्ट करने में, तो हमारे पास आसानी क्या है, हम यू ड्रैग करते हैं ये बैकग्राउंड को एंड कंट्रोल टू प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल टू से क्या होगा लॉक हो जाएगा, तो बैकग्राउंड के ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब लॉक हो गए, अब मैं यूं ड्रैग करूंगा तो सिर्फ ऊपर के जितने ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ वही सिलेक्शन में आएंगे, और इनकी जो भी आपने एडिटिंग करनी है, जैसे भी आपने इसे चेंज करना है, इनके अंदर और कॉपीज लेनी है, वो बेधड़क होकर ले सकते हो, देखो यहाँ से भी मैं सिलेक्शन लेके आ रहा हूँ, यहाँ से भी क्लिक कर रहा हूँ, ये कोई इशू नहीं हो रहा, सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर मैंने ये लॉक ना किया होता तो ये जो बैकग्राउंड पे मैंने स्ट्रिप्स लगाई हैं ये भी सिलेक्शन में आ जाती हैं और मुझसे ये सिलेक्शन प्रॉपर ना हो पाती, तो अभी मैंने इसको भी देखो कॉपी एंड बहुत से ऑब्जेक्ट बना लिए, तो जब हम फाइल हैंडल कर रहे होते हैं तो ये एक बड़ा इशू आता है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, ये बहुत इशू आता है इलस्ट्रेटर में, क्योंकि आप सिंगल लेयर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आल्ट कंट्रोल टू करेंगे तो ये सब के सब अनलॉक हो जाएंगे बैक साइड पे, इसके लिए वैसे ये ऑप्शन भी है कि आप इनको जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो तो कंट्रोल जी कर लिया करो ग्रुप, ठीक है, और उसकी अनग्रुप की कमांड और ग्रुप की कमांड भी हमने की थी,
अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है हाइड। लॉक तो कर दिया हमने, अब हाइड का क्या सीन है? ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट इसके साथ मौजूद है। मैंने इसको भी बैकग्राउंड पे ले गया। ये मिसाल के तौर पे यार, नीचे वाला ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम कर दी। ओपेसिटी बहुत दफा यूज होगी यहाँ पर। ओपेसिटी कहाँ पर है ये आपको जो हमारी स्टेटस बार है यहाँ पर दिख जाएगी। ये ओपेसिटी हमने कम कर दी इसकी, और ओपेसिटी कम करने के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं नीचे वाला ऑब्जेक्ट देख तो पा रहा हूँ, हमें नजर आ रहा है क्योंकि ओपेसिटी कम है इसकी, मगर मैं उसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली कंट्रोल टू करूँ, लॉक कर दूँ एंड नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो भी काम करना है वो कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि हमें जाहिर है कि हमें बाज़ूकात विजिबिलिटी में इशू आ रहे होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार जैसे हम बैकग्राउंड पे अगर इन केस के मैं काम कर रहा हूँ कोई, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स भी इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, तो अगर मैं बैकग्राउंड पे काम कर रहा हूँ तो फिर ये ऊपर का जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाया जिसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है, इस ऑब्जेक्ट को मैं हटाना चाहता हूँ, वो हटा लिया जाए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम अपने रियल ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। अब ये हटाने में फिर उसको उठा के वापस अपनी एक्चुअल प्लेस पे लाना फिर एक मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए ऑप्शन जो यूज़ किया जाता है, जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आप इसे हाइड कर दो, यहाँ से जहाँ लॉक है उसी के साथ नीचे ऑप्शन आ रहा है हाइड सिलेक्शन, यानी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हो। तो मैंने ये इसको हाइड कर दिया। अब देखो वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया, मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज ले ली और अब मुझे वो ऑब्जेक्ट वापस देखना है, तो शो ऑल नीचे ऑल्ट कंट्रोल टू शो ऑल, तो जो ही मैंने क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया। नीचे हमने चार ऑब्जेक्ट बना लिए एक ऑब्जेक्ट के, और ये सहूलत हमें हाइड ऑप्शन से मिली कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट तो हम देख पाएंगे, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, और हाइड होने से ये फायदा होगा कि वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा तो हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली व्यू कर सकेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर से अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो कंट्रोल 3 हाइड सेलेक्शन और ऑल्ट कंट्रोल 3 शो ऑल, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। और कंट्रोल 3 और कंट्रोल 2 ये जस्ट आपकी जो लेफ्ट हैंड है इसी से प्रेस हो जाएंगी, तो बड़ी अच्छी है ऑप्शन। वैसे ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है लेयर्स में, मगर इसमें वही प्रॉब्लम है कि अगर आपने लेयर्स प्रॉपर नहीं बनाई और सब लेयर्स पे काम किया है देन हाइड तो कर सकते हैं, मगर हमें ये नहीं पता लगेगा। अगर मैं ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक और बना लूँ, साइज बेशक मैं उसको छोटा रखूँ, तो इलस्ट्रेटर मुझे ये कतन नहीं दिखाएगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं हाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको हाइड कर दिया गलती से, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3 का यूज़ आप लोग करें। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास आ गया जनाब ऑप्शन पाथफाइंडर, और पाथफाइंडर एक ज़बरदस्त सा फीचर है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें हम बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। आज मैं जस्ट आपको इसका तारुफ करा रहा हूँ, और वो भी उसके एक पार्ट का, एक पोर्शन का। यहाँ मैं सिंपल बॉक्स बनाने लगा हूँ यार, दो ये दो आर्ट से कॉपी कर लिए, दो ये भी आर्ट से कॉपी कर लिए, वैसे कंट्रोल डी भी किया जा सकता है, तो ये मैंने रख लिए इधर, इन्हीं की एक कॉपी नीचे रख लेते हैं और नीचे वाली कॉपी पे हम काम करेंगे। ओरिजिनल हमने ये बनाया है, अब ये शेप्स बनने के जा रही हैं यहाँ से हमें पता लगेगा, और वन बाय वन उनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर हमारे पास कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट F9, और ये विंडोज में मौजूद है। और कहाँ पर है जनाब कंट्रोल शिफ्ट F9? ये है मौजूद, शिफ्ट कंट्रोल F9 पाथ फाइंडर, इसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने जनाब पाथ फाइंडर ओपन हो गया। ये पाथ फाइंडर इसका ऊपर का जो मोड है ये शेप मोड, ये हम करने जा रहे हैं, नीचे वाला भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद शेप बिल्डर टूल। ये दोनों क्लास इकट्ठी होंगी, पाथ फाइंडर एंड शेप बिल्डर टूल दोनों एक जैसे टूल्स हैं। वैसे तो ये शेप मोड भी शेप बिल्डर टूल से अप्लाई किया जा सकता है, बट शेप बिल्डर टूल पे बाद में आएंगे। तो यहाँ हमारे सामने है पाथ फाइंडर, तो पाथफाइंडर क्या काम कर सकता है? ये जो आपने शेप्स हैं
ये वाली चार ऊपर वाली शेप्स ये आपने फोटोशॉप में देखी होंगी, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते थे, हम ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, या अगर शेप्स की बात करें तो कंबाइंड शेप, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, इंटरसेक्ट फ्रॉम शेप्स, ठीक है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, बट यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाने के बाद उसको नया ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि वो अप्लाई हो, दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, तीन ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और उनके ऊपर डायरेक्टली ये कमांड अप्लाई की जा सकती है। सिर्फ करना क्या है, नंबर वन ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस टाइम पर, मैं इनको जूम कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए इसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। और पाथफाइंडर से हम ऑप्शन, सबसे पहले यहां पर जो वहां हमारे पास ऑप्शन था कंबाइंड शेप, यहां पर हम उसे बोलते हैं यूनाइट, ठीक है। यूनाइट क्या करेगा, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके या शिफ्ट के साथ और मैंने इसको कहा, क्लिक किया यहां पर यूनाइट, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए, वेल्ड हो गए, जुड़ गए, ठीक है, तो कंबाइन हो गए। वापस अंडू करता हूं। अब आप ये देख रहे हो कि ये रेड कलर का बन गया है, हमारा पिछला ऑब्जेक्ट भी इसके साथ जुड़ गया है और वो रेड कलर का ही बन गया है। रीजन क्या है, जो ऊपर ऑब्जेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आऊं और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहां से कंबाइन कमांड दूं तो अब कलर कौन सा आएगा, ऑरेंज, ठीक है, जो ऊपर कलर होगा वो डोमिनेट करेगा, अब कलर कौन सा आएगा, रेड, जाहिर है रेड ऊपर था, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आता हूं तो ऑरेंज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करने के काम आएगा, जोड़ने के काम आएगा, मगर फोटोशॉप में उनको किसी तो सूरत अलहदा किया जा सकता है, मगर इलस्ट्रेटर में अगर आपने वेल्ड की कमांड अप्लाई कर दी तो उसको अलहदा नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर वेल्ड की कमांड के साथ हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और बल्कि एक शेप हमने फोटोशॉप में बनाई थी, वाई नॉट हम वही शेप यहाँ पर बना लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं और फिर एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है जी। ये इस टाइम पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो नॉर्मली ये वाली शेप याद है आपको, फोटोशॉप में हमने बनाई थी। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तरीका ये है कि इनको ग्रुप करके यूटिलाइज कर लिया जाए, बट मैं सजेस्ट करूंगा आइंदा आने वाले टाइम में जो सब्ट्रैक्शन हम यूज करने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रुप ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि कंबाइंड या वेल्ड ऑब्जेक्ट हो। तो मैं इसको क्या करने लगा हूँ यार, इसको मैंने सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया, देखो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बाकी काम हम इसके साथ उसी तरह से कर सकते हैं, आर्ट से कॉपीज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और रिफ्लेक्ट हमने करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्ट के साथ क्या काम कर सकते हैं हम। अच्छा ये तो हो गया वेल्ड। अच्छा मैं ये शेप जरा इसको डिलीट नहीं करता और आपको बताता हूँ कि अगर मैं ग्रुप करूँ और अगर मैं ग्रुप के बगैर वेल्ड करूँ इन दोनों को, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है कंट्रोल जी, ये देखो ये है ग्रुप ऑब्जेक्ट और ये है वेल्ड ऑब्जेक्ट। वेल्ड ऑब्जेक्ट में आपको सेंटर में यहाँ लाइंस नजर नहीं आ रही, ये कंबाइन हो गया, जुड़ गया, और ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हुआ हुआ है, दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें और आपको ये लाइन नजर आ रही है कि आपने ये रेक्टेंगल यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा ये दोनों शेप्स मैं फिलहाल संभाल लेता हूँ। तो हमें ये समझ आ गया कि वेल्ड क्या काम करेगा, सॉरी यूनाइट क्या काम करेगा, कंबाइन कर देगा, वेल्ड कर देगा, इकट्ठा कर देगा इन शेप्स को, और जो शेप ऊपर होगी उसका कलर डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर एक और कमांड मौजूद है और यह है माइनस फ्रंट, वहां जो इंटरसेक्ट था यहां पर है माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट फ्रॉम शेप, इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन या इंटरसेक्ट शेप, यहां पर वो कहलाएगा माइनस फ्रंट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से फ्रंट पर कौन सा है, रेड या, मैं सॉरी इसको जूम कर लेता हूं, देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से ऊपर ऑब्जेक्ट रेड मौजूद है, तो यहां जो कमांड हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है माइनस फ्रंट, मींस के फ्रंट माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो आप देख सकते हो जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट था वो माइनस हो गया, मगर जाते जाते वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर गया, ठीक है। तो सिंपली क्या किया हमने, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और माइनस फ्रंट अप्लाई कर दिया। अच्छा यहां पर भी ये ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा वही डोमिनेट करेगा क्योंकि माइनस फ्रंट है यार ये, ठीक है। तो ये हो गया माइनस फ्रंट। अब माइनस फ्रंट हमारे पास ये याद रखना यार, माइनस फ्रंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड होने वाली है आगे हमारे लिए।
बहुत से काम हम कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहां से एक सर्कल लिया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, ये भी हमने कमांड की ना। और अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आल्ट एंड शिफ्ट से मैं छोटा कर रहा हूँ। इन केस के मुझे ये सर्कल सर्कल की तरह करनी चाहिए बल्कि एक व्हील शेप चाहिए, डोनट शेप चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे हम फोटोशॉप में काटते थे तो सब्ट्रैक्शन के लिए सर्कल लगाना पड़ता था, बट अब सब्ट्रैक्शन के लिए सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर अप्लाई किया माइनस फ्रंट, तो क्या हुआ ये सेंटर से कट गया। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं इसको जरा स्क्रीन के साइड पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये सेंटर से ऑब्जेक्ट कट गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ है इसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारे पास कमांड जो है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, कलर कोई भी रख लो, सिर्फ इसलिए कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आपने जो सर्कल बनाया उसका साइज क्या है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर से कट कर लूँ, तो क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट फ्रंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस हो जाएगा और जाते जाते वो बैक पर जो मौजूद ऑब्जेक्ट है उसको काट जाएगा, जैसे ये हो गया माइनस फ्रंट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओके जी, तो अगर मैं अगेन कोई एक और सर्कल ले लेता हूँ यार, कलर चेंज कर लेते हैं और अगेन मैं माइनस फ्रंट करना चाहूँ इसको इसके साथ, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं, माइनस फ्रंट यहाँ से भी कट गया। ठीक है, इसी तरह एक क्रीसेंट एक चांद हम बना सकते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंट्रोल सी किया कंट्रोल एफ किया कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, मैंने इसे कलर चेंज किया, नीचे वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज पड़ा रहेगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट से थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लिया, आपको नजर आ रही है ये वाली शेप ग्रीन। ठीक है, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ऊपर है वो माइनस हो जाने वाला है ये, और ये क्रीसेंट हमारे सामने एक चांद बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और बड़ी मजे की और बड़ी जबरदस्त शेप्स बनाई जा सकती हैं। यहाँ एक कमांड और मैं अप्लाई कर दूं, ये मेरा प्रोजेक्ट भी आपको मैं सेंड करने वाला हूँ इस तरह का, मैं एक एट कॉर्नर पॉलीगॉन यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, ये एट कॉर्नर पॉलीगॉन है, मैंने इसे किया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, ये मैंने इसको छोटा किया, यहाँ मैंने एक कलर चेंज कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ माइनस फ्रंट, तो सेंटर से क्या हुआ खाली हो गया। अब एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, यहाँ इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज और आपको साथ बताने वाला हूँ, वैसे तो आप फोटोशॉप में कर चुके हो, आपने फोटोशॉप में पेन टूल के साथ एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट किया था, याद है? पेन टूल सेम है जैसा फोटोशॉप में था, एज इट इज, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ एक फर्क आपको फील होगा, जब हम पेन टूल यूज करते थे तो जब कोई कर्व बनाते थे इस कर्व को सीधा करने के लिए आर्ट से यहाँ क्लिक करते थे फोटोशॉप में, बट यहाँ पर आपको आर्ट से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखो नेक्स्ट लाइन कैसे लग रही है, वो कर्व लाइन बन रही है। ठीक है, कर्व लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हैंडल यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं आर्ट से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये लाइन आगे सीधी हो जाएगी फोटोशॉप में, बट इलस्ट्रेटर में आपको आर्ट से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ क्लिक करो सिंपल और अगली लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी। ठीक है, कर्व और क्लिक, अगली लाइन सीधी, फिर कर्व और अब तो क्लिक की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं हम इससे, और इसी तरह से यहां पर दो ऑप्शन मौजूद हैं, एंकर पॉइंट को डिलीट भी किया जा सकता है और एंकर पॉइंट को ऐड भी किया जा सकता है, तो मैं यहां पर ऐड एंकर पॉइंट करने लगा, यहां देखो यहां पर और यहां पर, ये काम आप कर चुके हुए आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करने लगा हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इंडिविजुअल नोड्स को सिलेक्ट करता है ना, तो अब मैं यहां ड्रैग कर रहा हूं, ये मेरी इंडिविजुअल दो नोड्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से क्लिक करके यहां मूव कर लिया, तो ये एक एरो शेप हमारे सामने बन के आ गई। अब मैं इसी शेप के साथ ये एरो शेप यहां रखने लगा, ठीक है, और एक एरो शेप नीचे सेम कॉपी करने लगा हूं, क्योंकि मैंने अभी रिफ्लेक्ट कमांड नहीं सिखाई इसलिए रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड देन रोटेट। ठीक है, अब देखो हमारे सामने इस टाइम पर कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, पांच ऑब्जेक्ट, एक ये पॉलीगॉन जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था एक और पॉलीगॉन से,
उसके ऊपर ये हमारे पास ये चार जो हैं एरोस, इन सारों को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि इस कमांड का एक फायदा ये भी है कि ये माइनस फ्रंट मींस जितने भी ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होंगे सबको माइनस कर देगा। अब देखो मैं इनके कलर्स एक लम्हे को चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, क्योंकि मैंने एक तरतीब से इनको बनाया था ना, तो देखो ये सबके सब एक दूसरे के ऊपर हैं तरतीब में, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहे हैं। इसका कलर येलो कर देते, सॉरी ये। अब देखो ये सबसे पहले ये वाला ऑरेंज बना, फिर ये येलो बना, फिर ये ब्लू, और फिर ये वाला सियान। तो एक तरतीब से ये ऊपर है, बट ये सबसे ज्यादा ऊपर है, और जो बैक पर ऑब्जेक्ट मौजूद है वो है पॉलीगॉन, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ, ट्रिम किया हुआ है, ठीक है। तो अब माइनस फ्रंट की अगर मैं कमांड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इन सबको सेलेक्ट किया और मैंने कमांड अप्लाई की माइनस फ्रंट, तो सारे जो फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट थे वो एक ही बार कट गए, और जाते जाते वो नीचे वाली शेप को भी कट कर गए। अब मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ और इन सब पोर्शंस को मैं अलग अलग कलर्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड शेप बड़ी आसानी के साथ क्रिएट हो जाएगी विद दीज कमांड। ठीक है, ओके जी, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और अब हमें समझ आ गया माइनस फ्रंट क्या करेगा। अच्छा, यहां पर भी माइनस फ्रंट को मैंने रोक के रखा हुआ था। यहां देखो मेरे पास एक सर्कल मौजूद है, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो अगर मैं एक लोकेशन के लिए जो एक आइकन यूज किया जाता है वो बनाना चाहूं, तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट ग्रुप करके मैंने बनाए हुए हैं, तो नो डाउट कि यहाँ सेंटर से मैं एक सर्कल तो ड्रैग कर लूंगा इनके ऊपर। ये एक सर्कल उठा लिया इंटरसेक्ट पॉइंट से, यहाँ से सर्कल ड्रैग कर लिया। अगर मैं इसे माइनस फ्रंट करना चाहूँ तो क्या होगा, इसका कलर चेंज कर लेते। ये देखो इनको सेलेक्ट किया माइनस फ्रंट, तो ये भी यहाँ से कट गया रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल एक अलहदा ऑब्जेक्ट है जो कि मौजूद था। वापस जरा मैं अंडू करता हूँ और इनको अनग्रुप करके पहले कलर चेंज कर देता हूँ। तभी मैंने आपको कहा था कि हम, ये देखो ये इस टाइम तीन ऑब्जेक्ट हो गए, तो जो सबसे नीचे ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो ये सर्कल है। तो बेशक कि ये ग्रुप हो जाए, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये एक जगह कंबाइन नहीं हुआ, ये ऊपर नीचे पड़े हुए, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको माइनस फ्रंट करूंगा तो दो ऑब्जेक्ट जो ऊपर फ्रंट पे मौजूद है, एक ये सियान कलर और एक ये ब्लू कलर, ये दोनों माइनस हो गए और ये सिर्फ शेप कट के आई हमारे सामने बाहर। अगर आप चाहो ये शेप बनाना तो ये भी आपके लिए आसानी है, बट मैं बना रहा हूँ क्या चीज जो लोकेशन के लिए यूज किया जाता है एक आइकन। मैं यहाँ क्या करने लगा, एक सर्कल लगा रहा हूँ, इनको मैंने कंबाइन किया था, याद है आपको, मैंने कहा था कि इनको हम वेल्ड कर लेंगे, यूनाइट कर देंगे, तो इनको हमने यूनाइट करके एक शेप बनाई हुई है। तो हमारे लिए आसानी क्या है कि मैं अब इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल ले लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब नीचे एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो माइनस फ्रंट सिर्फ ब्लू माइनस होगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर जाएगा माइनस फ्रंट। ये देखो अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसकी नीचे जो लेंथ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो जैसी भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट क्योंकि उसके लिए ये वाली नोट भी नहीं होनी चाहिए, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा स्मूथ कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक स्मूथ टूल भी मौजूद है, बट इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। ठीक है जी, होप आपको ये सब्ट्रैक्शन भी समझ आ गई, यानी माइनस फ्रंट भी समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या है, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट ने जगह इकट्ठी ऑक्यूपाई की हुई एक जगह पर, यहां पर मैं इसका भी कलर चेंज करता हूं ताकि आपको नजर आ सके। इस पूरे डिजाइन में, इस पूरे एरिया में इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, ये जो सेंटर में मौजूद है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहां से जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट बचेगा, बाकी ये दोनों साइड्स कट जाएंगी। तो ये देखो ये दोनों साइड्स कट गई। अच्छा, इससे होगा क्या फायदा हमें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से हम फायदा क्या उठा सकते हैं, मिसाल के तौर पे यार एक सर्कल लिया हमने, एक और सर्कल ले लिया यहाँ पर, ये अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है,
ठीक है, तो मैंने यूं ही इंटरसेक्शन किया, ये सेंटर की शेप बच के आ गई। ठीक, आप चाहे इसे लीफ बना लो, आंख बना लो, वो आपकी अपनी मर्जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से यूज़ करते हैं, ये एरोज इसके सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी सी इसकी शेप यहाँ ले जाते हैं। देखो ये पत्ते की सूरत में हम इसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये कैसे हुआ, अब वीडियो रिपीट करके देख लेना, वीडियो लंबी हो रही है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, जरा कम यूज होता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एक्सक्लूड कर देगा, माइनस कर देगा सेंटर में से। तो ये हो गया, क्लिक किया एक्सक्लूड, और इसमें भी जो ऑब्जेक्ट ऊपर था उसने डोमिनेट किया, तो कलर रेड आएगा, एक्सक्लूड, ये सेंटर से खाली हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने शेप्स बन के आई हैं विद द हेल्प ऑफ पाथफाइंडर। मगर पाथफाइंडर का जो असल में पाथफाइंडर है वो हमने यूज नहीं किया, हमने शेप जो मोड है वो यूज किया। ठीक है, तो ये शेप्स आप बना सकते हो। इंशाल्लाह जो अपकमिंग क्लासेस हैं, जो कमिंग लेक्चर्स हैं और जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत बिजी वो स्ट्रक्चर्स होंगे। और हम कंप्लीट अब जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ, जिसमें हम यूनिक से यूनिक चीज क्रिएट कर पाए। जो आपको मैं प्रोजेक्ट सेंड करता हूँ, जस्ट प्रोजेक्ट्स करके आप बहुत अच्छे डिजाइनर बनने वाले हो, ये हरगिज नहीं होने वाला यार। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा चीजें बनानी पड़ेंगी, और मुझे दिखाओ। बहुत से आप में से स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो मुझे चीजें दिखा रहे हैं। आप में से चंद स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा काइंडली फ्रीलांसिंग करें। और इंशाल्लाह कल जूम की क्लास में मुलाकात होगी। सो थैंक यू वेरी मच।